हेलो डियर चिल्ड्रेन, कम टू द सॉल्यूशन ऑफ परसेंटेज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 75% ऑफ 1200 इज इक्वल टू 75% ऑफ 1200। हाउ यू कुड राइट इट? 75% मीन्स 75/100, एज यू ऑलरेडी नो। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड 1200 एज इट इज 1200। ओके, so 10 you will cut to 10, the 10 you will cut to 10, second 0 will cut to second 0. Now 17 multiply to 12, multiply it, 75 multiply to 12, 2 5s are 10, 0 1 carry, 7 2s are 14 and 5 1s are 5, 14 5 19 1 20, 20 ka 0 again 2 carry. Now 7 1s are 7 and 2 9, 7 to 9, so 900 will be your answer, and it is in which option? Option number B. Come to the next question. Okay, now second question is the same like previous, 275% of 2 liter. Okay, so just write 275 upon 100. If any number is written in percentage, so we always write 100 as denominator, you know. Now of means multiplication, so just write of means multiplication here. 2 liter means what? Just convert into milliliter. I just write as it is 2 liter, because if 2 liter you are writing, so your answer will come in liter. If 2 milliliter you were writing, it means 2000 milliliter you were writing, so your answer would come in milliliter. So there is no any problem, liter. So we always considered it the answer, whatever will come in liter. So just cut it, write 2 upon 1. So 2 can divide this 100 now in 50 time. Okay. Now divide 275 by 50. 275 by 50. See, 5 time you will read the table of 50. Just read the table of 5. 5 have 25, 25 means 10, 250. Okay, the 250 we have written in first statement. Now, after subtracting what we got, 25, 25 is less than 50, so we will put one decimal point here and here 10. Again, 5 time it will go now. So, 5 fives are 25, it's mean 250. Cut it. So, 5.5 liter will be your answer. 5.5 what? Liter will be your answer. Again, brief it. 275% was the question. It was asking 275% of 2 liter. 275% we have written. Then after 2 liter, 275% and 2 liter we have written. 275% was there. So upon 100 humne likh diya and multiply by 2. तो हमने 2 से पहले इसको 100 को कट किया 50 टाइम में. या आप ऐसे भी कर सकते थे, 275 को मल्टीप्लाई कर सकते थे 2 से, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग होता. आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आप डिवाइड कर दो. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45.5% ऑफ 20 kg. तो 45.5 अपॉन 100, जो भी नंबर लिखा है उसके अपॉन 100 हम लिख देंगे, डेसिमल से कुछ भी नहीं करेंगे. ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड 20 मीन्स 20. ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. 10 से 10 हम कट कर सकते हैं. ओके, नाउ 45 मल्टीप्लाई करो आप 2 से, बिकॉज ये न्यूमरेटर है, 1 इसके नीचे होता है. तो 45.5 मल्टीप्लाई करो 2 से एंड उसके बाद 10 से उसको डिवाइड कर दो. आई होप यू कुड डू दिस. नाउ सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लो. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन 65% ऑफ 9 लीटर 700 मिलीलीटर. सी, टू यूनिट इज गिवेन ना. जब भी कभी टू यूनिट दिया होता तो वी कन्वर्ट इनटू वन यूनिट. इधर कन्वर्ट कर दो मिलीलीटर में या तो कन्वर्ट कर दो इसको लीटर में. ठीक है, तो वट एवर इज इजी फॉर यू जस्ट डू इट. मैं इसको लीटर में ही कन्वर्ट कर दे रहा हूँ. ओके, 65%. सी, आई हैव रिटन 65%, 65 अपॉन 100. जैसा कि आपको पता है 65 को 65 अपॉन 100 हमने लिख दिया. एंड 9 लीटर एंड 700 ml था, तो 9.7 मैंने लिख दिया. 0.7 मीन्स दिस 700 ml को हमने 0.7 लीटर लिखा है. मतलब 700 ml को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.7 आएगा. कैसे आपको पता है, एक बार और बता देते हैं.
700 ml यू आर कन्वर्टिंग टू लीटर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिली लीटर एंड लीटर? 1000 ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। आपको पता है जब कभी 1000 होगा मिली लीटर, जब 1000 मिलीलीटर होता है, तो आपको पता है ना कि जब कभी ml होगा तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, दो चीज़ हम करते हैं, बिग यूनिट से स्मॉल में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉल से बिग में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। बताया है ना, ये रिमेम्बर हो रहा है? अब ये देखो, हमने 700 ml था तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 10 से 10 कट कर दिया, 20 से 20 कट कर दिया, अभी क्या बचा? 7/10। 7/10 मीन्स 7 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, यही ना। अब ये जाए तो एक बार में तो जाएगा नहीं ये, तो इसको पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। अब ये कितना जाएगा? 7 10 7 70, तो 0.7, 0.7 आपका आंसर आएगा ना। तो मतलब 0.7 लीटर आया आपका आंसर, और आगे ऑलरेडी 9 लीटर दिया हुआ था, तो अगर हम इसमें 0.7 में 9 लीटर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 7.9, तो 9.7 आएगा ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सॉल्व नाउ। 9.7/1, ये होल नंबर है, इसको आप इसके अपॉन वन लिख सकते हो ना, पता है आपको ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, और आपका आंसर जो भी आता है उसको डिवाइड करके पता कर लो। 65 को 9.7 से मल्टीप्लाई करो, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 का 1 तो वही वही आएगा, 100 ही आएगा, और उसके बाद डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। अगेन द सेम क्वेश्चन, 35% ऑफ 5 kg 400 ग्राम, ठीक है, तो 37/100, ये तो क्लियर है आपको। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 5 kg मीन्स 5 एंड 400 मीन्स 0.4, ठीक है ना। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 400 ग्राम, 400 ग्राम अगर हमको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, और 4/10 मीन्स 0.4, तो इसलिए हम अगर 5 kg में 0.48 करेंगे तो 5.4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप इस 400 इस 5 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 5000 ग्राम प्लस 400 ग्राम, तो 5400 ग्राम टोटल हो जाएगा। आप वैसे ही करके कर लो, 5 kg मीन्स 5000 ग्राम एंड 400 मीन्स 5000 प्लस 400, तो 5400 ग्राम हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, दूसरे जीरो से इसको कट कर दो, अब बस 37 को 54 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादा इजी है, अगर डेसिमल में आप नहीं करना चाहते हो तो इसी तरीके से कर लो, मीन्स जो बड़ा यूनिट है उसी को स्मॉल में कर लो। पिछला क्वेश्चन में भी जो आपका 700 ml था और 9 लीटर था, तो 9 लीटर को भी 9000 ml में आप कन्वर्ट कर दो, प्लस 708 कर दो, उसके बाद डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर इजिली। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 kg 750 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 15 kg 750 ग्राम। चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, देन आफ्टर विल सॉल्व। कम टू द नेक्स्ट पेज। इफ आई एम आस्किंग 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, 2 इज व्हाट परसेंट, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, तो क्या करेंगे? जो परसेंट मैं जितना परसेंट पूछ रहा हूँ ना, उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। टू इज वॉट परसेंट ऑफ वॉट, किसका? 5 का, तो 5 विल बी डाउन साइड। अब मैं परसेंट पूछ रहा हूँ तो यू ऑलरेडी नो दैट परसेंटेज नेम यू हैव टेकन, इट्स मीन 100 विल बी इन्वॉल्व, इधर यू विल मल्टीप्लाई आर डिवाइड, पता है आपको। तो हेयर मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 100 से, ठीक है। तो टू मैंने पूछा, टू इज वॉट परसेंट, तो टू न्यूमरेटर हो गया। जिसको पूछ रहा है ये कितना परसेंट है किसी नंबर का, तो जिस नंबर का पूछ रहा है वो नीचे होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो अब 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 2 10 20, इस और 20 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो 20 2 40, तो 40% आपका आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। इसका मतलब 2 इज 40% ऑफ 5, मतलब 2 5 का 40% है। ओके, सिमिलरली जो हमारा पिछला क्वेश्चन है वो क्या है? 2 kg 750 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 15 kg 750 ग्राम। तो हम इसको सबसे पहले किस में करेंगे? एक यूनिट में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, सबको। या तो kg में कर लो या तो ग्राम में कर लो। तो 2 मैं ग्राम में ही कर लेता हूँ सबको। 2 kg 750 मीन्स 2 kg मीन्स 2000 ग्राम, और 750 मीन्स 2750 ग्राम, ये हो गया। नीचे 15 kg मीन्स 15,000, और 750 मीन्स 15,750
ग्राम, 15,750 ग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, ये किस कितना परसेंट, देखो ये 2 kg 15 kg का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है ना सिंपल में। तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाई 100, जैसा हमने 2 kg 5 जो 2 है 5 का कितना परसेंट है में किया था, तो 10 से 10 वी हैव कट हियर। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा ना आपके पास, कोई इशू नहीं। आप इसको, अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है ऐसे, तो आप सबको केजी में कन्वर्ट कर दो, मैंने यहाँ पे ग्राम में किया हुआ है। तो 2750 ऊपर है यहाँ पे, और 1 0 यहाँ का बचा हुआ क्योंकि ये न्यूमरेटर है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1575, 1 0 तो कट ही गया है, इतना बचेगा। तो जस्ट डिवाइड इट, अब इसको डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट 1 टाइम जाएगा ना। ओके, डिवाइड करके बताते हैं, 7 विल डिवाइड ना, विल गेट 17.46 अप्रोक्स ना, दिस विल बी योर परसेंटेज। तो यू विल राइट हियर, इट्स 17.46% ऑफ 15 kg ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 500 ml इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 लीटर। 500 ml जो है वो 5 लीटर का कितना परसेंट है, ठीक है। ओके, 500 ml इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 लीटर। तो 500 ml को पूछ रहा है, तो 500 ml को हम ऊपर लिखेंगे, एंड डाउन साइड विल बी व्हाट, जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है 500, किस चीज़ का कितना परसेंट है, 5 लीटर का। तो यूनिट विल बी सेम ना, इफ़ वी आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन देन यूनिट शुड बी सेम ऑलवेज। तो 5 लीटर कन्वर्ट इंटू ml, तो 5000 ml ना। और जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या करोगे आप, यू विल मल्टीप्लाई बाई 100। तो जस्ट मल्टीप्लाई इट, 10 विल 10 कट, 20 20, और 5 को इससे डिवाइड करोगे आप, तो 5 1 5, और कितना 0 बचा यहाँ पे, 20, ठीक है ना। तो 100, इस मीन 100%, ओके, इस मीन 10 या 5000 में तो मैंने लिखा ही नहीं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो 500 ml जो पूछ रहा था, अब किसका, 5 लीटर का, तो 5000 नीचे लिखा, तो 10 10 कट हो गया, 2 0 2 0 कट हो गया, एंड 1 0 से ये ऊपर वाला भी कट हो गया, मतलब 3 0 मैंने नीचे कटा हुआ है, तो मैंने 3 0 ऊपर भी कटा, 2 इधर और 1 इधर। अब बचा कितना, ऊपर 5 बचा है, नीचे ऊपर 50 बचा है, नीचे 5, तो 5 10 50, इसका मतलब 10%। तो 500 जो ml है, दैट इज 10% ऑफ 5 लीटर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सिमिलरली डू द लास्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम इज वॉट परसेंट ऑफ 750 ग्राम, सॉरी 75 ग्राम इज वॉट परसेंट ऑफ 75। 75 ग्राम पूछ रहा है किसका, 750 ग्राम का, दोनों ग्राम ग्राम में है तो नथिंग विल चेंज। परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से 10 कट, 75 1 75, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्यों, क्योंकि बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो ये भी 10% होगा, इट्स मीन 75 इज 10% ऑफ 750 ग्राम। ओके, जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन नाउ।